सबसे बड़ी और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओ ये क्या बकबक कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ओ देश चलाना आसान काम नहीं है मार्गरेट। बकवास, मैं तो आसानी से कर सकती हूँ। ओ नहीं बेटा, मैं ये कर सकती हूँ और आप ये मान लीजिए। हाँ बेटी, आप भी कुछ मत कहिए प्लीज। इसका मतलब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं हम। बस बहुत हो गया। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ इलेक्शन लड़ने। लेकिन कौन सा इलेक्शन? आजाद देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। क्या आप जानते हैं कि अब तक आजाद देश की प्रेसिडेंट कभी कोई महिला नहीं रही है? लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ वक्त के बाद ये बात जरूर बदल जाएगी। डियर मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइल, कभी मत भूलना कि तुम कितनी स्पेशल हो। तुम कर सकती हो। बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे चाहिए एक कैंपेन मैनेजर। ओहो, एक मेल आया है छोटी मार्गरेट से। अच्छा है। प्लीज मिस। हाँ मार्गरेट। मैं आजाद देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ने वाली हूँ मिस बैचलर। क्या बात कर रही हो? क्या आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा मिस बैचलर? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो ये आइडिया काफी अच्छा लगा। पर क्योंकि तुम 18 साल की नहीं हो, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं ये आसानी से कर सकती हूँ सच में। हाँ थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं मार्गरेट। ठीक है मिस। तो मैं तुम्हें नॉमिनेट करूंगी। ओह थैंक यू मिस। तुम्हें एक कैंपेन मैनेजर की जरूरत होगी। कौन बनेगा? चलो सब, ये इतिहास रचाने का मौका है। हेनरी? यस मिस, मैं बनूंगा छिपकली का, मेरा मतलब मार्गरेट का कैंपेन मैनेजर। ओह, अभी तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि वाकई में इतिहास रचने वाला है। चलो सब, आप सब तैयार हो जाओ। तो मेरे साथ बोलो, मार्गरेट बनेगी प्रेसिडेंट। मार्गरेट बनेगी प्रेसिडेंट। हेनरी? पीटर? क्या ये सच है कि तुम मार्गरेट के कैंपेन मैनेजर बन गए हो? हाँ। पर ऐसा क्यों हेनरी? जरा सोच करेले, अगर वो प्रेसिडेंट बन गई, तो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देगी। हाँ, ये बात तो सही है। गुड। क्या मैं एक कैंपेन वीडियो बना सकता हूँ? हाँ जरूर बना सकते हो। यस। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट करेले। Huh?
तब आएगा असली मजा। तो तुम आ ही गए भोंदू बंदर, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? मेरा काम करने। ऐसा कौन सा काम यहाँ पे करने आए हैं? मुझे कैसे पता? गुड मॉर्निंग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। हाय ब्रायन। प्रेसिडेंट बनने का असली मतलब क्या होता है उस पर मैंने रिसर्च किया है। बोलो। तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। कैसे रूल्स? लोगों के साथ अच्छा बर्ताव। ठीक है। स्पीचेस देने होंगे। ठीक है। बच्चों से घुल मिलना। ठीक है। और फिर चाहिए कैंपेन फंड। वो क्या होता है? पैसे, बहुत सारे पैसे। मेरे पापा वो पैसे देंगे। बड़े बड़े पावरफुल लोगों का समर्थन भी चाहिए होगा। मुझसे भी ज्यादा बड़े। मैं संभालूंगा। किसे पूछने वाले हो आज? मैं ये तुम्हें पूछने वाला था हेनरी। तुम इसके बारे में मिस बटलैक से पूछ सकते हो। कूल, मैं ये उन्हें पूछता हूँ। तो अब मैं एक अच्छे से क्लोजअप के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल मार्गरेट। आप क्या है? क्या तुम्हें कोई खास खूबी है? कोई स्पेशल टैलेंट? हाँ, जैसे जैसे चिल्लाना या बुद्ध बनना या एयर गिटार बजाना। ये बेहुदा मजाक करना बंद करो हेनरी। कहना पड़ेगा शायद पहली बार मैं मार्गरेट की बातों से सहमत हूँ हेनरी। मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है मार्गरेट। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है हेनरी? मेरा मतलब आपके क्लोजअप का वक्त हो गया है मोहतरमा। ठीक से काम करना मिस्टर कैंपेन मैनेजर, वरना तुम्हें निकाल दूंगी। हमें एक अच्छा स्लोगन चाहिए, क्या तुम कुछ सोच सकते हो हेनरी? ठीक है ब्रायन, मैं सोचता हूँ। हेनरी, आ रहा हूँ। बताओ। क्या बताओ? मेरा स्लोगन क्या है बताओ बुद्धू। बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। प्लीज एक और बार मार्गरेट, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पुराने हालातों को भूल जाओ, नए बदलाव को अपनाओ। और बदलाव लाऊंगी मैं। नहीं, ये नहीं है। क्या ये नहीं है? ये तुम्हारा स्लोगन नहीं है। तो मेरा स्लोगन क्या है मिस्टर बेवकूफ मैनेजर, जिसे मैं इसी वक्त काम से निकाल देने वाली हूँ? स्लोगन है अपने काम से प्यार करो, मजबूर नहीं खुश रहो। नहीं, ये गलत है। ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है। है। नहीं है। है। नहीं है। है, है, है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका स्वागत है दुनिया के बेहतरीन शो पर, बेस्ट बॉयज न्यूज पर। तो आज मिलते हैं एस्टन प्राइमरी के एक लौते प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से, मार्गरेट। तो मार्गरेट, हम आपको वोट क्यों करें? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। यहाँ सिर्फ तुम ही एक लड़की नहीं हो, समझे? जरा अपने पॉलिसीज के बारे में बताओ मार्गरेट। वो तो कई सारी हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स में और झूले लगवाना, डिटेंशन रूल्स में बदलाव, कैंटीन में गर्ल्स पहले जाएंगी। और आजाद देश का क्या होगा? हाँ, वो बाद में देखेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगी मार्गरेट? लोग मुझे चाहते हैं पीटर। गवर्नमेंट को लोगों की आवाज सुननी ही होगी। तो लो जरा मेरी आवाज भी सुन लो। दफा हो जाओ। मार्गरेट, 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मार्गरेट, 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे कोई नहीं हरा सकता। और कट। मुझे इस लड़की से बहुत उम्मीद करने वाली हो। हाँ, मैं जानती हूँ। अब तक तो अच्छा चल रहा था। लोग चाहते कि वो जीते, और जल्दी उससे मेरा पीछा छूट जाएगा। रिजल्ट्स आ गए हैं। इस इलेक्शन में वोट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आवाज उठाई और बदलाव को अपनाया, धन्यवाद। और अब
पूजल पूजल फैन क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते तो बूडल पूडल फैन क्लब मैं अपनी जिम्मेदारी सच्चाई और ईमानदारी से निभाऊंगी। पर आजाद देश का क्या होगा मार्गरेट? आजाद देश के बारे में सोचने के लिए और बहुत वक्त बाकी है। यहाँ मेरे लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं यही रहूंगी।